हाय दोस्तों, आज हम सूजी का चिल्ला बनाएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिए। सामग्री चाहिए: आधी कटोरी दही, दो बारीक कटे हुए टमाटर छोटे और एक प्याज कटी हुई बारीक, थोड़ी सी धनिया पत्ती, एक हरी मिर्च बारीक कटे हुए और नमक स्वाद अनुसार। चलिए हम सामग्री पहले मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। ये हमने दही जो डाला था वो डाल देंगे। ओके, इसको इस तरह से मिला देंगे बराबर से। और ये टमाटर बारीक कटे हुए, ये हम ज़्यादा दही नहीं डालेंगे क्योंकि दही खट्टा था, इसलिए हम थोड़ा सा पानी भी इसमें डालेंगे। थोड़ा पतला रखना है, थोड़ा और पानी मिक्स करेंगे। हम बराबर से मिक्स करेंगे इस तरह से। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च, प्याज, नमक, बराबर से मिक्स कर देंगे सब। हमारा ये बटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, हमको थोड़ा पतला करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब ये बनाने के लिए हमारा बिल्कुल तैयार है। ये हम डालेंगे अपनी धनिया पत्ती। अगर आपको मिर्ची ज़्यादा लगती है तो आप लाल मिर्च भी इसमें मिक्स कर सकती हैं। अब हमने ये पैन अपना रख दिया है, गैस पे तेज फ्लेम करके रखा है थोड़ा गर्म होने के लिए। गर्म हो चुका है, हम इसमें घी लगाएंगे। आप चाहें तो तेल लगा सकती हैं। ये इस तरीके से घी लगाएंगे थोड़ा सा और हम और इसमें अपने ये सामग्री डालेंगे। ये हम इसमें अपने सामग्री डालेंगे। ये इस तरीके से बन के फैला दीजिए। मतलब आप चाहें तो बड़ा बना सकती हैं। हमारा वो वाला पैन वाला तवा खराब हो गया है, इसलिए हम इसमें फ्राई वाले में बना रही हूँ। आपके पास अगर वो है तो आप उसमें बना सकती हैं। हम इसे अच्छे से सावधानी से इस तरीके से पलट देंगे ऐसे। ये देखिए आँच में जल जाएगा, इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे अच्छे से। ये हमारा चिल्ला बनकर तैयार है। हमने इसे सर्व कर दिया है।